हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी स्टाइल्स। और आज हम करने वाले हैं नायका हॉल वीडियो। तो ये मैंने रक्षाबंधन मेकअप लुक किया है, आप इस वीडियो को भी जरूर वॉच करना। तो ये वाला वीडियो है नायका हॉल। तो आप लोगों को पता ही होगा कि नायका पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चल रहे थे। रिसेंटली उनका सेल चल रहा था, तो उस सेल में ही मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, जैसे कि मेबेलिन के, वेट एंड वाइल्ड के, ब्लू हेवन के, इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स के हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फाउंडेशन लिया है और ये वाला फाउंडेशन है ये मेबेलिन का सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन 24 आवर्स। सो ये वाला फाउंडेशन मैं बहुत दिनों से लेना चाहती थी और मैंने फाइनली इस सेल में इसे परचेस कर लिया है। इस पे मुझे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला है, बट स्टिल मुझे ये लेना था इसलिए मैंने इसे बाय किया है। इसका MRP है 750 रुपीज़ और इसमें आपको 30 ml का प्रोडक्ट मिलता है और आई थिंक मुझे ये 650 इस तरीके के कुछ प्राइस रेंज में मिल गया था। और इसमें मैंने जो शेड पिक किया है वो है 220 नेचुरल बेज और आई थिंक ये बहुत क्लोज मैच है मेरी स्किन टोन से, आप देख सकते हैं। तो अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ये मेरे लिए परफेक्ट मैच होगा। और ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फाउंडेशन है, मैंने देखा है बहुत लोगों को इसे यूज़ करते, तो मुझे भी बहुत दिनों से लेना था। तो इसके बाद मैंने लिया है ये मेबेलिन का कंसीलर, ये है फिट मी वाला। सो इसमें मैंने लिया है 25 मीडियम वाला शेड और ये वाला कंसीलर भी मेरे स्किन टोन के लिए एक बहुत अच्छा मैच है, लेकिन ये हाइलाइटिंग का काम आई थिंक नहीं करेगा। अगर मुझे हाइलाइटिंग कंसीलर चाहिए होगा तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा लाइट शेड लेना पड़ेगा। और इसका जो MRP है वो है 475 रुपीज़। अदरवाइज़ आपको सारे प्रोडक्ट्स के स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर साइट में दे दूँगी, तो आप देख लेना वहाँ से एक बार। और मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आपको बाय करना हो तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और इसमें हमें मिलता है 6.8 ml। सो ये कुछ इस तरीके के एप्लीकेटर के साथ आता है और इसका शेड कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। मैं इसे ब्लेंड करके दिखाती हूँ, अपने फिंगर से ही मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ इसे। ये ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और ये कवरेज भी बहुत अच्छी खासी दे रहा है। सो ये था मेरा नेक्स्ट बाय। इसके बाद मैंने लिया है ये वाला आईलाइनर, ये है अगेन मेबेलिन की तरफ से और ये है मेबेलिन का द क्लॉसल बोल्ड लाइनर और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। सो ये एक बहुत अच्छा लाइनर है, मैंने इससे पहले भी इसे यूज़ किया है। तो ये एकदम बोल्ड जेट ब्लैक कलर का है और देन ये स्मज प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ है। सो इसका MRP है 249 रुपीज़। इसमें आपको 3 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है। ये मेरा ख़त्म हो गया था बट मैंने बहुत दिनों से इसे बाय नहीं किया था क्योंकि मैं उतना ज़्यादा आईलाइनर वेयर नहीं करती हूँ। मतलब मैं जब थोड़ा सा हैवी आई मेकअप करती हूँ या फिर मुझे जब लगता है कि लाइनर लगाने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ तभी अप्लाई करती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ मस्कारा ही अप्लाई करती हूँ, मुझे लाइनर से ज़्यादा मस्कारा पसंद है। लेकिन अगर आप एक लाइनर पर्सन है और आपको लाइनर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस लाइनर को डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखना, ये बहुत अच्छा एक लाइनर है। सो मैं आपको एक बार इसे खोल के दिखा देती हूँ। सो ये अंदर से कुछ इस तरीके का है और मेबेलिन में मुझे पूरा क्लॉसल रेंज ही बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ये वाला आईलाइनर, देन क्लॉसल मस्कारा और क्लॉसल वाला जो काजल है वो। तो ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जेट ब्लैक है और आप इससे एकदम पतला लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं और देन थिक लाइनर भी ऑब्वियसली आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके बाद मेरे पास जो है वो अगेन मेबेलिन के क्लॉसल की तरफ से है। तो ये वाला है क्लॉसल का मस्कारा और मुझे ये वाला मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेबेलिन का आप कोई भी मस्कारा उठा लो, जैसे कि ये क्लॉसल हो गया, देन हाइपर कर्ल, देन लास्ट सेंसेशनल, सारे ही बॉम है। अगर आप थोड़े से अफोर्डेबल में जाना चाहते हो तो आप मेबेलिन का जो हाइपर कर्ल वाला है आप वो भी ट्राई करके देख सकते हो, वो भी बहुत ऑसम है। मुझे पर्सनली वाटरप्रूफ मस्कारा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने वाटरप्रूफ लिया है, लेकिन आपको इसमें वॉशेबल भी मिल जाएंगे। सो ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है, थोड़ा सा फैट साइज का बॉटल है और इसका जो प्राइस है वो है
₹399 आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका प्राइस। और जो हाइपर कर्ल वाला मस्कारा है उसका तो MRP ही ₹300 के अंदर है। सो इसका जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके का है, तो आप देख सकते हैं इसका बॉन्ड। और ये मेरा ख़त्म हो चुका था तो इसलिए मैंने इसे बाय किया है। तो मैंने मेबेलिन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय किए थे, इस बार तो मुझे कुछ फ्री मिला है और वो है ये वाला हाइपर कर्ल वाला मस्कारा। और ये वाटरप्रूफ में है, सो ये मिनी साइज़ है, सैम्पल साइज़ है। आप अगर बाय करेंगे तो आपको ये वाला साइज़ नहीं मिलेगा, आपको बड़ा साइज़ ही मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम ही है हाइपर कर्ल से, और इसका बॉन्ड भी कुछ इस तरीके का है। सो इसके बाद मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट, और इसका नाम है वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट कॉन्टोर। सो ये कुछ इस तरीके का है, आपको इसके एक साइड में यहाँ पर आपको अपना कॉन्टोर शेड मिल जाएगा, और ये बनाना पाउडर है आई थिंक। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने अब तक जितने भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन में पिक्चर देख के बाय किए हैं और वो जब मुझे रिसीव होते हैं तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं। मतलब पिक्चर में वो जितना साइज़ लगता था उसका, रियल में उतना होता नहीं था, उससे छोटा होता था। बट ये पहला प्रोडक्ट है जो मुझे पिक्चर में जितना साइज़ लगा था ये उससे ज़्यादा बड़ा है। मैं तो शॉक हो गई, मुझे लगा था, मुझे सीरियसली लगा था कि ये छोटा साइज़ होगा, बट ये मैंने जितना सोचा था उससे बड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ह्यूज है। और इसका जो MRP है वो है ₹599, और इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी है। तो यार ये अंदर से कुछ इस तरीके का है, ये इतना सुंदर लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि मैं इसे अभी टच करूं, बट मैं आप लोगों को इसका स्वॉच ज़रूर दिखाऊंगी। सो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी है। तो मैं ये वाला भी आप लोगों को दिखा देती हूँ स्वॉच करके। सो ये है इनके स्वॉचेस, आप देख सकते हैं ये दोनों। ये सो आई थिंक कि अगर आप डस्की या फिर डीपर स्किन टोन के हो तो ये आपके ऊपर कॉन्टोर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड है। अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो तो ये आपके ऊपर एक अच्छा कॉन्टोर का काम करेगा, और आप इसे बिल्ड भी कर सकते हो। और अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो आप लोगों के ऊपर ये डेफिनेटली बहुत अच्छा एक कॉन्टोर शेड होगा। सो इसके बाद मैंने लिया है अगेन वेट एंड वाइल्ड की तरफ से, और तो ये है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस मेकअप फिक्सर, और ये क्रूल्टी फ्री है, और इसका जो MRP है वो है ₹599, और इसमें आपको 45 ml का प्रोडक्ट मिलता है। आप देख सकते हैं ये इतना छोटा है, और अगेन मैंने इससे पहले इसे ट्राई नहीं किया है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। मैं इसको यूज़ करूँगी, देन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका रिव्यू। सो वेट एंड वाइल्ड में आपको दो मेकअप फिक्सर मिल जाएंगे इस तरीके के, एक ये वाइट वाला है और ये है सील द डील मेकअप फिक्सर, तो मैंने ये लिया है। और आपको एक ब्लैक वाला मिल जाएगा, एक मैट फिनिश के लिए है और दूसरा है ड्यूई फिनिश के लिए, तो आप इस हिसाब से बाय कर सकते हैं। तो इसके बाद है ये एक वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक, और ये वाला रेड शेड में है, तो मैं आपको पहले इसको खोल के दिखा देती हूँ एक बार। सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ब्लैक पैकेजिंग है और पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये फ्री मिला है वेट एंड वाइल्ड की तरफ से, क्योंकि तब एक ऑफर चल रहा था कि आई थिंक ₹1000 के ऊपर अगर आप वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ये एक लिपस्टिक वो उनकी तरफ से फ्री मिलेगा। मैंने नोटिस किया है कि आपको जब भी कोई फ्री का लिपस्टिक मिलता है तो उनके शेड कुछ अलग ही होते हैं, अजीबोगरीब शेड्स होते हैं जो आप वेयर उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बट इसका जो शेड है वो उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है, इसे वेयर कर सकते हैं। ये अंदर से कुछ इस तरीके का है, ये थोड़ा सा ऑरेंज एंड रेड मिक्स्ड शेड है। इतना क्वांटिटी मिलता है जो कि बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी है, और इसका शेड मैं आपको यहाँ पर स्वॉच करके दिखा देती हूँ। तो मैंने 2-3 बार इसे अप्लाई किया है, उसके बाद ये पिगमेंटेशन आया है। पिगमेंटेशन अच्छा है, ठीक ठाक है, डीपर स्किन टोन को ये वॉश आउट करेगा। ये कुछ इस तरीके का शेड है, और ये मैट फिनिश में नहीं है, ये ग्लॉसी है। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। सो इसके बाद मैंने लिया है ये मिस क्लेयर का आई लैश ग्लू, सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसका जो MRP है वो है
350 रुपीज़, और मुझे ये बिल्कुल भी ऑफ़र में नहीं मिला था। मैंने पूरे के पूरे 350 रुपीज़ ही पे किए हैं इसके लिए, और मैंने 2-4 दिनों से देखा भी था, इसमें उतना ज़्यादा ऑफ़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने लास्ट में बाय ही कर लिया पूरे MRP के ऊपर। और इसमें आपको 3 शेड्स मिल जाएंगे, एक है ब्लैक में और दूसरा है वाइट टोन, और ये वाला जो मैंने लिया है ये है क्लियर टोन, मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर वाइट है, आप देख सकते हैं, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको इस तरीके के वाइट या फिर क्लियर टोन वाला लेना चाहिए कोई भी आईलैश लो, क्योंकि वो ब्लैक में बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, इधर उधर थोड़ा सा भी लग जाता है तो वहाँ बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। सो उन ब्लैक वाले से तो ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का एक ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो और अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में कि बहुत दिनों से ये वाला ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करती आ रही हूँ, और मुझे ये अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप डेली यूज़ के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीज़, और इसमें मैंने जो शेड लिया है वो है नेचुरल, और इसमें आपको 20 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है, और ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो मेरा ख़त्म होने वाला है इसलिए मैंने इसे रीस्टॉक कर लिया है। और इसके बाद मैंने लिया है एक ब्लू हेवन की तरफ से ब्लश, मैंने एक पर्पल हॉल वीडियो किया था उसमें भी मैंने एक ब्लू हेवन का ब्लश ट्राई किया था, सो मैंने सोचा कि इस बार और एक ब्लश ट्राई करके देखती हूँ। और तो ये है ब्लू हेवन के शिमर मैट ब्लश, और इसमें इस बार मैंने जो शेड लिया है वो है 504, बट गाइस मुझे ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, उसका वजह है इसका शेड, और बाय द वे इसका जो MRP है वो है 125 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और इसमें आपको 7 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है, और इसका जो शेड है ये बिल्कुल ब्लश की तरह नहीं है। अगर आप ब्लश अप्लाई करेंगे तो आप न्यूड या फिर पिंक या फिर कोरल रेड इस तरीके के ब्लश अप्लाई करेंगे, बट इसका जो शेड है ये थोड़ा सा ब्राउन चॉकलेटी काइंड ऑफ शेड है, तब सब देखिए ये कैमरा में तो थोड़ा लाइट लग रहा है बट ये थोड़ा सा और डार्क है। इस तरीके के शेड हम यूजली कॉन्टूर में यूज़ करते हैं। सेकंड जो बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा शिमर है, मतलब बहुत ज़्यादा चंकी टाइप ऑफ है, मतलब ये काइंड ऑफ हाइलाइटर है, मैं यही कहूँगी कि ये काइंड ऑफ हाइलाइटर है। अगर आप डीपर या फिर डस्की स्किन टोन के हो तो इसे एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका स्वॉच भी दिखा देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। सो ये देखिए ये है इसका शेड, और ये देखिए ये एज अ हाइलाइटर की तरह काम करता है, और 125 रुपीज़ में अगर आपको एक अच्छा हाइलाइटर मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। इसके बाद मैंने लिया है ये ब्लू हेवन के मेकअप रिमूवर क्लींजिंग वाइप्स, और ये कहता है कि ये आई मेकअप को रिमूव करता है, फेस मेकअप को रिमूव करता है, और डर्ट और ऑयल को भी रिमूव करता है स्किन से, और इसमें आपको 13 वाइप्स मिल जाएंगे, और इसका जो प्राइस है वो है 150 रुपीज़, सो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसलिए मैंने इसे ट्राई करने के लिए लिया है। ये कुछ इस तरीके से खुलता है, और यहाँ पर और एक गार्ड दिया हुआ है जो कि आपको ओपन करना पड़ेगा, इसके बाद इसमें वाइप्स है। इसके बाद मैंने लिया है 2 ब्लू हेवन के लिप बाम्स, सो इसमें से ये वाला जो है मैंने इसे पहले ट्राई किया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और इसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा है, और इनमें कोई भी कलर्स नहीं है। सो इस बार मैंने ये दोनों वेरिएंट्स लिए हैं, और इन दोनों की ही MRP है 85 रुपीज़, और ये वाला है बबल गम वेरिएंट, और ये वाला है कोको बटर, तो ये बहुत अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट करते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों बाय किया है। सो आज के हॉल का ये वाला लास्ट प्रोडक्ट है बट नॉट द लीस्ट, सो ये है ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर लॉन्ग स्टे। सो आपने अगर मेरा पर्पल हॉल देखा होगा तो उसमें भी मैंने एक आईब्रो डिफाइनर लिया था, बट वो वाला जो शेड है वो है ब्राउन, और इस बार मैंने ये ग्रे वाला लिया है, ये डार्क ग्रे, तो मुझे एक्चुअली डार्क ग्रे वाला ही ट्राई करना था बट तब वो आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने ब्राउन वाला बाय कर लिया था, और वो ब्राउन वाला शेड मेरे आईब्रोज के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैच होता है, और उससे बहुत इजीली आईब्रो आप ड्रॉ कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस, जस्ट 85 रुपीज़ में आपको बहुत अच्छे
प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो मैंने पहले जो डार्क ब्राउन वाला शेड लिया था वो भी मैंने यहाँ पर लाके रखा है, क्योंकि मैं आपको इन दोनों का स्वॉच एक साथ देना चाहती थी कि आप लोगों को इन दोनों शेड में डिफरेंस पता चल जाए और आप अपना शेड पिक कर सकें। तो ये कुछ इस तरीके के हैं, दोनों तो सेम ही है क्योंकि सेम प्रोडक्ट है बट शेड अलग है। सो इसमें आपको कुछ इतना प्रोडक्ट मिलता है। सो गाइस ये मेरे हाथ से गिर गया था और क्योंकि मैंने इसे पूरा निकाला हुआ था तो ये पहले ही टूट गया। अब मैं इसका स्वॉच दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये वाला है डार्क ग्रे वाला और हमें क्यों ना। सो ये कुछ इस तरीके का है, ये उतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। इसके बाद मैं आपको ब्राउन वाला शेड दिखाती हूँ, ये तो मेरा अभी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं इसी से ही अपने आईब्रोज को फिल करती हूँ। सो इसका शेड कुछ इस तरीके का है। सो आप देख सकते हैं ये है ये दोनों शेड। मेरे हिसाब से मुझे ब्राउन वाला शेड ही ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ मेरा आज का हॉल वीडियो ख़त्म होता है। सो आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और उसके पास ही बेल नोटिफिकेशन होगा उसे भी ज़रूर हिट कर देना ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप मिस ना कर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।